এবার ইসলামপুরে পেয়ে যাচ্ছেন লাইট মেডাল বোর্ড। যে কোন রকমের প্রতিষ্ঠানের মেডাল ও লাইট বোর্ড বানাতে হলে চলে আসুন আমাদের প্রতিষ্ঠানে ফাইন মেটাল ওয়ার্কস, আশ্রমপাড়া মোড় নিয়ার পেট্রোল পাম্প ইসলামপুর। নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে আপনাদের সকলকে আরো একবার স্বাগত। আজকে বিস্তারিত খবরে, জমির বিবাদকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, গুরুতর আহত পাঁচজন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকেলে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত লোধন গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াভিটা গ্রামে। যেমনটি জানা যাচ্ছে যে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, যেমনটা জানা যায় যে তাদের মধ্যে পারিবারিক জমি বিবাদের জেরেই এই ঘটনাটি ঘটেছে এবং এই ঘটনায় দুই পক্ষেরই মোট পাঁচজন আহত হয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে এবং একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি দুজনের লোধন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই চিকিৎসা চলছে। বাকি দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খারাপ থা তো মুখে আচ্ছা নেই লাগা তো ফির মে আপনার বিয়ে বচ্চো কো লেকে সুসরাল চলা গিয়া ওই দবাই ওবাই লেকে দু দিন আরাম করকে ফির মেরা সুসর হমে বচ্চো বচ্চো কে সাথ রাখনে কে লিয়ে আয়ে ঘর পে তো ইতনে মে আগে দেখ রহে হামারা ঘর ঘর সব তোড়তাড় দিয়ে গেট বেট সব নিকাল দিয়ে জো সামান ওমান থা রুপে পয়সা ভি সব লে লিয়া ইন লোগো নে ওর আগে হমে সবকো মারপিট করনা শুরু মারপিট করকে মেরা ঘরওয়ালি কো তো বিলকুল হি গম্ভীর কর দিয়া স্যার ও তো বিলকুল সিরিয়াস হালত মে ওর উসকে বাদ স্যার মেরা সুসর কো ভি বহুত মারা ও ভি সমঝ লো গম্ভীর হি মেরা ভাই লোগ গিয়া স্যার मेरे पापा अम्मी तो है नहीं, वो डेट कर गया और ये लोग हमें आए दिन टॉर्चर करते रहता सर। और जबकि हम अपने बाप के ज़मीन में घर बनाए सर, फिर उन लोगों को पैसा भी दिया, ये नहीं कि मतलब चलो कि भाई ने देखभाल किया तो उनका भी हक बनता, हमने वो भी दिया। फिर बोला कि चलो रहो बोले कोई दिक्कत नहीं। फिर खेती वेती का भी जो ज़मीन है सर ये लोग करके खा रहे हैं, हम फिर भी परेशान नहीं कर रहे। मैंने कहा चलो आज नहीं तो कल देगा भाई है, लेकिन ये लोग आप कह रहे हैं हम देंगे भी नहीं और तुम्हें बोले ऐसे भगाएंगे नहीं भागोगे तो मार देंगे जान से। तो आज मेरे ससुर को मारा है, मुझे भी मारा है और मेरे घर वाली को तो बिल्कुल सीरियस कर दिया सर। मेरे भाई लोग थे, भाभी लोग थे, उनके बच्चे लोग थे, वो कम से कम 15-20 जने थे, बीवी बच्चे भाई और सामान उमान के साथ थे वो लोग। आप लोग? और हम थे मेरे बीवी, मेरे दो बच्चे और मेरा ससुर आया था छोड़ने के लिए। लोधन से 1 किलोमीटर में पोड़ाभिटा बस्ती पड़ता सर। अच्छा, कौन सा ग्राम पंचायत में आते हैं जी? हमारा तो थाना ग्वालपोखर पड़ता है जिला। हाँ, ग्वालपोखर थाना। हाँ हाँ। और ये हॉस्पिटल से कितना लोग रेफर किया है? पंचायत हमारा वही प्रधान ऑफिस तो सर। हाँ। वो लोधन में लगता। अच्छा, ये महकुमा हॉस्पिटल से कितना लोग को रेफर किया है सिलीगुड़ी पे? सिलीगुड़ी में तो सर, लेकिन मैं तो इतना, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, फिर किसी ने बोला तो फिर वो छोड़ा। हमारे घर वाले गंभीर होने के कारण अब ये मालूम नहीं कि कितनों को रेफर किया, लेकिन मेरा ससुर भी जो है वो भी मतलब बहुत गंभीर है। आपका नाम? जी रिजवान है सर। आपके कौन लगता है जो आज? ये मेरी वाइफ है सर, जो गंभीर हालत में है, 7 महीने का गोद में बच्चा है लड़का और 4 साल की लड़की है सर। तो आपके कौन सा हॉस्पिटल? लोधन से। तो वहाँ से हॉस्पिटल में आपको रेफर कर दिया? जी वहाँ से रेफर यहाँ कर दिया इस्लामपुर में। हाँ। अच्छा, अभी यहाँ पे भी बोल रहे पहले मेडिकल दिखाना पड़ेगा सर। मेडिकल ले जाना पड़ेगा। जी रिजवान है सर। और आपका वाइफ का नाम? वाइफ का नाम मीनारा। आपका घर? जी थाना ग्वालपोखर लोधन पोड़ाभिटा। 23 साल सर।